हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. टुडे विल डिस्कस अबाउट बॉन्ड एग्रीमेंट इन ATC. कि जब आपका ATC में यदि सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको बॉन्ड एग्रीमेंट सबमिट करना होगा. तो ये बॉन्ड एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि बॉन्ड एग्रीमेंट जो है उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ. काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में मैसेजेस के थ्रू पूछा है कि आप प्लीज़ ये डिस्कस कीजिए. कुछ लोगों को बॉन्ड का नाम सुनकर ही बहुत डर लगता है, तो आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है ये. तो ATC के अंदर बॉन्ड की रिक्वायरमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बॉन्ड की रिक्वायरमेंट के बेसिकली तीन रीजन्स होते हैं. पहला रीज़न होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट जब रिक्रूटमेंट करता है तो कुछ प्लानिंग के साथ करता है वो, कि हमें अभी 100 लोगों की ज़रूरत है और उसके बाद में ये लोग ऐसे ऐसे प्रमोट होंगे, अभी इतनी वैकेंसीज खाली है, इनको उस एयरपोर्ट पे लगा देंगे, वहाँ पे इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है. यदि लोग यदि बीच में छोड़ के जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि डिपार्टमेंट को फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी प्लानिंग फेल हो जाती है. तो इसीलिए पहली चीज़ है कि बॉन्ड को रखा जाता है. दूसरा लॉजिक जो है बहुत ही आसान है. मान लीजिए आपकी कोई दुकान है जिसमें आप किसी को अपने अंडर में काम करने के लिए रखते हो, उसको आपने पूरा काम सिखाया 5-6 महीने के अंदर, उसके बाद में वो बंदा बोलता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसने आपके लिए कोई काम किया ही नहीं है. जैसे ही उसने काम सीखा वो छोड़ के किसी दूसरी दुकान में चला जाएगा काम करने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? तो सेम वही हर डिपार्टमेंट के लिए है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत महंगी होती है. आपकी 8 महीने की ट्रेनिंग में कम से कम 5-7 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं. अथॉरिटी का आपको सैलरी भी देती है, साथ ही साथ में आपके खाने पीने का खर्चा भी उठाती है. वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं ATC के, उन सब का मेंटेनेंस भी वो लोग करते हैं, उसके लिए कितने लोग लगे होते हैं, सबको सैलरी दे रही है अथॉरिटी. तो इसीलिए यदि आप छोड़ते हो उस टाइम पे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ये कारण है. अब हम बात करते हैं तीसरे रीज़न की. तीसरा रीज़न ये है कि यदि आपको बॉन्ड का पता रहेगा तो वही लोग फॉर्म भरेंगे जिनको पता है कि मुझे नहीं छोड़ना है. तो इस तरह के लोग जो हैं वो कम आएंगे सामने, कि जो बीच बीच में छोड़ के भागेंगे. तो ये बॉन्ड के तीन रीज़न होते हैं कि क्यों बॉन्ड को इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. अब हम बॉन्ड के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि क्या होता है इस एग्रीमेंट के अंदर. तो देखिए, जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में एक मेल के अंदर एक ये अलग से एक वो कॉपी आएगी PDF, जिसमें ये बॉन्ड एग्रीमेंट के बारे में रहेगा. पहले जो भी रिक्रूटमेंट्स थे उनमें 5 लाख का बॉन्ड था, जो कि आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो 100 रुपीज़ का होता है उस पर बनवा कर देना होता है. अब हो सकता है कि बॉन्ड की अमाउंट बढ़ा भी दी जाए, हो सकता है 6 लाख कर दें, 7 लाख कर दें, हो सकता है कम भी कर दें, ये डिपेंड करता है अथॉरिटी के ऊपर. उसका एक स्पेशल फॉर्मेट मिलेगा आपके पास, ठीक है, आपको उसी फॉर्मेट में वो सारी लैंग्वेज उस पर टाइप करवा के लिखनी है. अब बात करते हैं कि इस बॉन्ड को कौन कौन बना सकता है, मतलब आप किससे बनवा सकते हैं, ना सबसे बड़ा सवाल है ये. और लोग लास्ट में इसी में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मतलब मुझे किससे बनवाना है, इधर उधर घूमते रहते हैं. तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए आप. जैसा कि रूल में लिखा हुआ है कि कोई भी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होल्डिंग ग्रुप ए पोस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी ग्रुप ए पोस्ट का ऑफिसर जो केंद्र सरकार में कार्यरत है या फिर PSU में है, वो इस बॉन्ड के जो एग्रीमेंट रहेगा 100 वाला, उसको वो साइन कर सकता है उस पर. ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई है. और इक्वलेंट अंडर हिज ऑफिशियल सील, इक्वलेंट में वो लोग आ जाते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, आप उनसे भी बनवा सकते हैं. लेकिन एग्जैक्टली आप ट्राई कीजिए जितना हो सके कि आप ग्रुप ए ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसी से आप बॉन्ड बनवाएं. ठीक है, अब यदि हो सकता है किसी का जानकार नहीं है ग्रुप ए ऑफिसर, या फिर ग्रुप ए ऑफिसर थोड़ा डर रहा है, क्योंकि बॉन्ड का मतलब है कि आपको वो श्योरिटी दे रहा है कि AI को, यदि ये बंदा जॉब छोड़ेगा और इसका जो पैसा रहेगा उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ. तो इन केस कोई यदि साइन नहीं कर रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं. दूसरा सबसे आसान तरीका है, जो कि मैंने भी करवाया था, कोई भी आपका जानकार हो, आपके चाचा, मामा, पिताजी आपके, जिनके पास 10 लाख से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल, जैसे ज़मीन हो गई, कोई प्लॉट हो गया, वो लोग अपने तहसील ऑफिस से लिखवा लें उसकी वैल्यू, कि हाँ इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी 2 बीघा ज़मीन है जिसकी वैल्यू 15 लाख है, 20 लाख है, जो भी है, 10 लाख से ज़्यादा है. तहसीलदार लिख देगा, एक पेपर देगा आपको, वो अपने साथ रखना है. तो आपका जो बॉन्ड का जो रहेगा 100 रुपये वाला, उस पर आपके पिताजी, आपके चाचा, मामा, जिनकी भी ज़मीन, जिस जिसके नाम पे ज़मीन है, वो बंदा साइन कर सकता है. बहुत ही आसान है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सेम वो बॉन्ड काम करेगा आपका. ठीक है,
अगली कंडीशन है कि बोंड जो है वो क्लियर कट होना चाहिए, उसमें काटा फांसी ये सब नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आता है टाइपिंग एरर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, उसमें जो डेट्स लिखी हैं जो सिग्नेचर वगैरह हैं उसके अंदर वो क्लियर कट होने चाहिए, जो कि बेसिक कंडीशंस होती है किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, आपको पता होगा ये चीज़। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बोंड ट्रांसफरेबल है या नहीं है, ये भी मतलब बहुत लोगों के दिमाग में आता है और आगे चल के प्रॉब्लम भी आती है। तो पहले हमारे टाइम पे रूल था कि बोंड ट्रांसफरेबल नहीं था, यदि आप एआई को छोड़ के आपका सिलेक्शन ओएनजीसी में हो गया, आप वहाँ जाते हो तो आपको एआई को पैसा देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आप ओएनजीसी ज्वाइन करोगे। लेकिन अभी ऐसा है कि एआई से आप ओएनजीसी जा रहे हो और ओएनजीसी में बोंड का प्रावधान है, तो आपका बोंड डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से ओएनजीसी में ही, आपको एआई को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये रूल आ चुका है, इसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, आप जब ज्वाइन करोगे तो पता चल जाएगा। अब पैसा कितना देना है, यदि आप ट्रेनिंग के टाइम पे छोड़ते हो तो आपको 5 लाख रुपए प्लस ट्रेनिंग में जो खर्चा हुआ है वो देना है, यदि आप 1 साल के अंदर छोड़ते हो तो आपको 5 लाख रुपए देने हैं, यदि 1 साल से 2 साल के बीच में छोड़ते हो तो आपको 4 लाख देने हैं, 2 साल से 3 साल के बीच में छोड़ते हो आप यदि तो आपको 3 लाख रुपये देने हैं, और आप उसके बाद छोड़ते हो तो आपको कुछ नहीं देना, आप इंजॉय करो आराम से, छोड़ छाड़ के अपने घर जाओ। ठीक है, तो ये इसका बताने का मकसद यही था मेरा, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा था, लेकिन फिलहाल ये मैटर नहीं करता है। आपका पहला टारगेट होना चाहिए, और जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको सबसे पहले पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, उसके बाद में ये सब चीज़ तो बाद में भी हो जाएंगी, कोई भी बता देगा आपको। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।